दोस्तों आज 15 दिसंबर 2017 का सिर्फ वन का यूपीएससी एग्जाम का पेपर कंडक्ट हो चुका है और दोस्तों कुछ जीके के सवाल जो हमें मिले हैं आप जैसे दोस्तों ने शेयर करके हमें बताए जो कि सिर्फ वन में पूछे गए थे वही सवाल हमने इस वीडियो में आपके साथ शेयर किए हैं। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें ताकि आपको थोड़ा आइडिया लग जाए कि किस तरह से सवाल आपसे पूछ रहे हैं। और दोस्तों अभी तक आपने हमारे इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक भी कर दीजिए क्योंकि हमारे मेहनत का फल आपके एक लाइक के बटन को दबाना ही है। और दोस्तों अभी तक आपने हमारे गवर्नमेंट जॉब सॉल्यूशन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाए रखें ताकि आप तक हमारी हर वीडियो जो यूपीएससी एग्जाम के संबंधित है वो सबसे पहले पहुंच सके। और दोस्तों चलिए बिना समय गवाए शुरू करते हैं हमारी आज की वीडियो और देखते हैं जीके के कौन कौन से सवाल सिर्फ वन में पूछे गए। और दोस्तों जो सवाल पूछा गया है धारक के दुर्ग का पुनर्निर्माण किस मुस्लिम शासक ने करवाया था। धारक के दुर्ग का पुनर्निर्माण किस मुस्लिम शासक ने करवाया था तो इसका सही आंसर है दोस्तों मोहम्मद तुगलक। और दोस्तों जो अगला सवाल पूछा गया है भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब आरंभ हुआ तो 2 अक्टूबर 1952 में। भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब आरंभ हुआ 2 अक्टूबर 1952 इसका सही जवाब है दोस्तों। और जो अगला क्वेश्चन पूछा गया है ताम्रपाषाण संस्कृति से संबंध स्थल क्या था किसके समीप था तो उज्जैन। ताम्रपाषाण संस्कृति से संबंध स्थल किसके समीप है तो वो है उज्जैन। और जो अगला सवाल पूछा गया दोस्तों सिख खालसा किसने बनवाया तो गुरु गोविंद सिंह। सिख खालसा किसने बनवाया गुरु गोविंद सिंह इसका सही जवाब है दोस्तों। जो अगला क्वेश्चन पूछा गया शिक्षक दिवस 5 सितंबर तो दोस्तों जो इम्पोर्टेंट डेज है वो आप याद करके जाइए। शिक्षक दिवस ये बार बार यानी इम्पोर्टेंट डेज हर शिफ्ट में पूछे जा रहे हैं तो वो आप याद करके जरूर जाइएगा। शिक्षक दिवस 5 सितंबर को मनाया जाता है। और जो अगला सवाल पूछा गया दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क एवं उत्पाद दिवस पूछा गया दोस्तों 26 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क उत्पाद दिवस मनाया जाता है। और जो दोस्तों अगला सवाल पूछा गया कंप्यूटर बूट नहीं कर सकता यदि उसमें नहीं होगी तो क्या नहीं होगी ऑपरेटिंग प्रणाली। कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन आया था दोस्तों कंप्यूटर बूट नहीं कर सकता यदि उसमें नहीं होगी तो क्या नहीं होगी ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होगी तो कंप्यूटर बूट नहीं कर सकता स्टार्ट नहीं हो सकता दोस्तों। और दोस्तों जो अगला सवाल आया था कंप्यूटर से रिलेटेड रैम का पूरा नाम क्या है फुल फॉर्म पूछा गया था दोस्तों रैंडम एक्सेस मेमोरी इसका सही जवाब है दोस्तों रैंडम एक्सेस मेमोरी। जो अगला सवाल आया दोस्तों चंदेरी क्यों प्रसिद्ध है तो वो है साड़ियों के लिए। चंदेरी क्यों प्रसिद्ध है तो साड़ियों के लिए। जो अगला सवाल पूछा गया दोस्तों कंप्यूटर में जाने वाले डेटा को क्या कहते हैं तो उन्हें कहते हैं इनपुट। और दोस्तों एटीएम का फुल फॉर्म पूछा गया था दोस्तों तो इसका जवाब हमें आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दे ताकि हमें लगे कि आप भी थोड़े एक्टिव हैं। एटीएम का फुल फॉर्म पूछा गया दोस्तों तो एटीएम का आप फुल फॉर्म हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके एटीएम का फुल फॉर्म बता दें। और दोस्तों उपसर्ग से एक प्रश्न आया था वर्तनी शुद्ध से एक प्रश्न आया था और द्वंद्व समास से 2 क्वेश्चन आए थे दोस्तों। और दोस्तों आपका पेपर अगर आगे है तो बेस्ट ऑफ लक फॉर दैट। और दोस्तों अभी तक आपने हमारे इस गवर्नमेंट जॉब सॉल्यूशन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाए रखें ताकि हमारे आने वाले सभी वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंच सके। और दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जल्दी से कर दीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। और मैं मिलता हूँ आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय धन्यवाद आपका दिन शुभ रहे।